छोटू खेरेश्वर मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा? तैयार क्या बजे जाएगा? 10:30। ठीक है तो तैयार हो ले फटाफट। मम्मी खेरेश्वर चल रही हो? चले तू देखिया मैं तो घूमने आई हूं। अच्छा जाए हम? हाँ तो जल्दी आएंगे। ठीक है अंदर और सभी को इकट्ठा करता हूँ फिर एक साथ चलेंगे। क्या बजे जाओगे? अच्छा तैयार हो बिल्कुल। तो ये है छोटू। छोटू तैयार हो गया मेले के लिए? बिल्कुल भाई साहब पक्की बात है। बिल्कुल क्या बजे चल रहे हो फिर? 10:30 लेकर आ सकते। अच्छा चलो तो सौरभ और संजय को बुलाते हैं। हाँ जाबू को फोन आएगा। अच्छा अच्छा कह दीजिए जाबू मिल जाएगा वहीं पर। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ तो और कौन रह गया? अब सौरभ रह गया। सौरभ चलो सौरभ को पकड़ते हैं। चलो 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 आओ अपने पुराने वापस चले। आशीष भाई चलो आशीष भाई आ जाओ। हाँ संगी चल रहे हो फिर? संगी चल रहे हो आशीष भाई? चलो आ जाओ। सौरभ तैयार हो गया? हो गया हो गया। हाँ चलें फिर जल्दी आ जा। सागौन का तू बता। सावन सावन। अच्छा सागौन महंगा वाला पौधा है ना ये? और ये बेल पत्थर का पत्थर। ये भी सावन है। जल में पत्ते डाले जाते हैं इसके। ये बहुत ज्यादा एक्चुअली ये तो ये क्या है? आहा उबले हैं ये। उबले? हां उबले। ये ऑनलाइन भी मिलते हैं? ये ऑनलाइन अभी मिलते हैं? ऑनलाइन भी मिलते हैं ये। इनकी क्वालिटी के अनुसार मिलते हैं ये। और ये बहुत पुराना कुआ है यहाँ पर है। ये अमर बेल बहुत पुराना कुआ है इसे कहते हैं अमर बेल। और ये है हमारा छोटू भाई। अब ये कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा बेल पत्थर ये जो खराब हो गया है। खराब हो गया है? अच्छा इसकी हालत तो ये तो किसी काम का नहीं। इसे फेंक दो। गया अब कितनी दूर है यहाँ से खेरेश्वर मंदिर? लगभग 1.5 किलोमीटर। हमारे छोटे भाई ये विकास बहुत ही शायरी सुनाएंगे। ये बहुत ही अच्छी देख कि शायद मैं इसलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। कि शायद मैं इसलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। लोग ना समझे मेरी वफादारी मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। और मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। कि मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। और मेरी फितरत समझने के लिए तुम इतना जान लो बस। कि मेरी फितरत समझने के लिए तुम इतना जान लो बस। जो मेरी नज़र से उतर गया फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किधर गया। क्या बात क्या वेरी बहुत आरवी इंटर कॉलेज। ये इस क्षेत्र का बहुत ही फेमस स्कूल है और इसके बारे में हम
सबसे पहले संजय भाई से जानना चाहेंगे कि ये स्कूल खड़ी है पुल पे, क्या कहना चाहोगे इस स्कूल के बारे में? ये स्कूल वाकई में बहुत बढ़िया था और हम लोग इसमें पढ़े हैं और इस स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी थी। और आगे हमारे चाचा जी बताएंगे, अमित जी। जी अमित जी, क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? इस स्कूल का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। सन 2005 में और 6 में मैंने सन 2006 में मैंने 5 पास किए इस स्कूल से, और सन 2007 में मैंने यहाँ से 6, उसके बाद मैंने 9th। माहौल अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अनुशासन एक नंबर का है। और ये सौरभ भाई भी बताना चाहेंगे कुछ स्कूल के बारे में? मैं इसमें नहीं पढ़ा, मैं गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ। अच्छा, पाली वाले इंटर कॉलेज में पढ़ा। अच्छा, वहाँ का अनुशासन और वहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छी है। Yeah.